आपने पिछला जो मेरे लेक्चर देखा होगा, जिसमें मैंने फेडरलिज्म के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया और उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं किसी भी देश में, अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर है वहाँ तो वहाँ कौन कौन से फीचर होते हैं, वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आप अगर देखना चाहते हैं उस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में आप अगर समझना चाहते हैं तो आपको पहले वो वीडियो देखने होंगे, तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो पर पहुँच सकते हैं सीधे। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई कि फेडरलिज्म जो होता है वो कौन कौन से टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म समझने की कोशिश करते हैं अपन। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, देखिए टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे अपन। दो तरह के देश हो सकते हैं, एक वो जो पहले से यूनाइटेड हैं और बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की आसानी के लिए कई पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अपने आप को और उसके बावजूद भी यूनाइटेड रहते हैं। दूसरे वो देश हैं जो पहले से अलग अलग पार्ट्स थे और बाद में यूनाइटेड हो गए, यानी कि दो तरह के कंट्रीज हो गए, दो तरह के फेडरल स्ट्रक्चर वाले कंट्रीज हो गए, दो तरह के फेडरल स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, देखें पहला हो गया जिसे कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म बोलते हैं, कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म। दूसरा होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। आइए अब हम देखते हैं कि कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म में क्या अंतर होता है। ठीक है, देखिए कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, देखिए आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री किस तरीके से स्टार्ट होती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले जो अटलांटिक ओशियन है उसके कोस्ट पर 13 ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। ठीक है, अमेरिका में 13 ब्रिटेन की कॉलोनीज थी जिन्होंने ब्रिटेन के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जैसे हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं, और उस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फाइनली 1776 में वो 13 कॉलोनीज आजाद हो गई। ठीक है, और उन 13 कॉलोनीज ने आजाद होकर, जो कि अलग अलग सेपरेट कॉलोनीज थी, उन्होंने आजाद होकर इंडिपेंडेंट होकर अपना एक यूनाइटेड नेशन बना लिया, एक यूनाइटेड कंट्री बना ली। ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, बाद में इसमें और भी बहुत सारे स्टेट एक एक करके जुड़ते गए और आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं, स्टेट्स, यानी कि पहले वो सेपरेट सेपरेट यूनिट्स थे जो बाद में एक हो गए, सेपरेट सेपरेट यूनिट्स थे जो बाद में एक हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट है। उसे कहेंगे हम कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म कहा जाएगा इसे, सिंपल है। यानी कि अलग अलग यूनिट थी जो पहले बाद में यूनाइटेड होकर एक नेशन बन गए। अब आता है होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो नेशन है वो पहले उसमें जो यूनिट्स हैं वो उसी फॉर्म में नहीं है जैसे बाद में बना दी गई है। जैसे इंडिया का एग्जांपल है, इंडिया जब आजाद हुआ तो इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे थे जिन्हें ब्रिटिश सर्स डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि राजा लोग वहां पर शासन करते थे। ठीक है, लेकिन वो राजा भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही थे, उन्हीं के सबॉर्डिनेट थे। तो हम कह सकते हैं कि उस वक्त जो पूरा इंडिया था वो एक पावर के कंट्रोल में था। ठीक है, और वो पावर जो चाहती थी किसी भी पार्ट में कुछ भी कर सकती थी, इंडिपेंडेंट थी, ब्रिटिशर्स काफी इंडिपेंडेंट थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो काफी पावरफुल थी और सभी स्टेट्स उसके अंडर आते थे। ठीक है, इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स उसके कंट्रोल में थे, बहुत स्ट्रांग होल्ड में थे, और जो किंग्स थे वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के सबॉर्डिनेट थे, यानी कि इंडिया के जो पार्ट्स थे वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। समझ रहे हैं आप इस बात को, इंडिया के पार्ट्स इंडिपेंडेंट नहीं थे। पार्टीशन के बाद एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, लेकिन जो इंडिया के पास रहा उसको इंडिया ने एक फेडरल स्ट्रक्चर देने का निर्णय लिया।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया कि इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का यूनियन होगा, लेकिन पहले थे जो स्टेट्स थे वो तो काफी कमजोर स्टेट्स थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी स्टेट्स को उतनी पावर नहीं दी गई जितनी आज की डेट में स्टेट्स के पास है। तब भी स्टेट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट ही थे, लेकिन आज की डेट में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं है। ठीक है, तो अब हम समझ सकते हैं कि इंडिया में जो फेडरलिज्म आया वो कैसे आया। पहले एक स्ट्रांग यूनियन था, बाद में उसने एडमिनिस्ट्रेशन की आसानी के लिए और डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए कई पार्ट्स बना लिए, कई यूनिट्स बना ली, जिनको हम आज की डेट में स्टेट्स कहते हैं या प्रोविंसेस कहते हैं। और आज की डेट में इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो डायरेक्टली यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। बात समझ में आती है? तो आइडियल तौर पर देखा जाए सबसे ज्यादा अगर फेडरल स्ट्रक्चर, आइडियल फेडरल स्ट्रक्चर है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। क्यों? क्योंकि वहां स्टेट्स काफी इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिया में कैसा हो फेडरलिज्म है? होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म इंडिया। ठीक है, इंडिया के अलावा इस होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म के एग्जांपल हैं बेल्जियम, स्पेन और भी दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज है। ठीक है, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि कौन सा देश है जहां फेडरलिज्म है ही नहीं, तो आपको सबसे कॉमन एग्जांपल अगर मिलेगा तो यूके मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में फेडरलिज्म नहीं है, वहां एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हालांकि लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है, जैसे लंदन की खुद की अपनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक है, और उसका मेयर होता है और जो पुलिस होती है वो उस मेयर के अंडर आती है, तो काफी अलग तरह का सिस्टम है, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां और जितने भी पार्ट्स हैं कंट्री के वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन इंडिया में फेडरलिज्म है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है, बेल्जियम में है, स्पेन में है और दुनिया के बहुत सारे देशों में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब आप ज्यादातर देशों के जब नाम लेंगे तो आपको फेडरल स्ट्रक्चर वाले कंट्रीज मिलेंगे जहां कहीं भी अच्छी डेमोक्रेसी चल रही है। डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म होने के बहुत चांसेस हैं। तो हमने दो तरह के फेडरलिज्म समझे, एक होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म और एक कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में अंदर जाने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म में और होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म में बेसिक डिफरेंसेस और क्या हो सकते हैं, इसके अलावा कि ये हिस्टोरिकली कैसे थे। हिस्टोरिकली तो आपको समझ में आ गया, ये पहले एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था, सेपरेट सेपरेट कंट्री पार्ट्स थे, स्टेट्स थे जो बाद में एक साथ आ जाते हैं और काफी इंडिपेंडेंट भी रहते हैं। और होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ में पहले से यूनाइटेड थे, बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए बना दिए गए हैं, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन और भी इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करें और डिफरेंसेस क्या हो सकती हैं देखते हैं। देखिए, तो कमिंग टुगेदर और इधर लिखते हैं होल्डिंग फेडरलिज्म। देखिए, तो पहला डिफरेंस तो हमारा यही हो गया कि कमिंग टुगेदर में आता है ऐसे स्टेट्स जो पहले क्या थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जो बाद में बन गए, जिन्होंने बाद में बना लिया फेडरेशन। फेडरेशन, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने बना लिया फेडरेशन, क्लियर। और यहां क्या है पहला डिफरेंस, पहले से स्ट्रॉन्ग यूनियन था, स्ट्रॉन्ग यूनियन था, यूनियन ना कहें अपन, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट थी जिसने बाद में स्टेट्स बना लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट्स बन गए, तो दोनों में क्लियर डिफरेंस समझ में आता है। पहले क्या थे, पहला पॉइंट, इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जो कि फेडरेशन बना लिए और उसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी जिसने स्टेट्स बना लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखें,
दूसरा पॉइंट, इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स पहले थे इसलिए इसमें स्टेट्स बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है, स्टेट्स हैव मोर पावर्स, स्टेट्स के पास ज्यादा पावर्स होती हैं, और इंडिया में आपने देखा है स्टेट्स के पास पावर्स कम होती हैं, ठीक है, इंडिया में अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत कंट्रोल होता है स्टेट्स पे, गवर्नर्स के जरिए कंट्रोल करते हैं, और भी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट भी ज्यादा हैं, ठीक है ना, तो इसमें स्टेट्स पावरफुल होते हैं, इसमें यूनियन गवर्नमेंट पावरफुल होती है, यूनियन गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। ठीक है, और देखें डिफरेंसेस, और डिफरेंस क्या हो सकता है इनमें, स्टेट्स के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं, स्टेट्स जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, स्टेट्स मे हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस, और इसमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। बेटा ड्यूअल सिटीजनशिप हो सकती है कि आप स्टेट के सिटीजन अलग रहेंगे और नेशन के सिटीजन अलग रहेंगे, स्टेट के सिटीजन अलग हो सकते हैं और नेशन के सिटीजन अलग हो सकते हैं, कैसे देशों में, जहां कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहां पर स्टेट का सिटीजन अलग होता है, एक पर्सन दो दो सिटीजनशिप होती है उसके पास, स्टेट का सिटीजन भी होता है और देश का सिटीजन भी होता है, ठीक है ना, तो इसमें हम कहेंगे ड्यूअल सिटीजनशिप होती है इनमें, ड्यूअल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है, और इसमें सिंगल सिटीजनशिप होती है, और एक और बात समझे, नए स्टेट्स बनाना कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म में बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, नियरली इंपॉसिबल होता है, मेकिंग न्यू स्टेट्स इन ए कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म इज रियली वेरी डिफिकल्ट, वाइल इन ए होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म मेकिंग न्यू स्टेट्स इज वेरी सिंपल। अगर इंडिया में नए स्टेट बनाना है तो कैसे बनते हैं, पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी से एक बिल पास करना होता है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल, और एक नया स्टेट बन जाता है, सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी भी नहीं। इंडिया में नए स्टेट बनाना या पुराने स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसीलिए हमारे देश में बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे देश में फेडरलिज्म नहीं है, हमारे देश में एक ऐसा यूनिटरी सिस्टम है जिसमें कुछ फेडरल फीचर्स भी हैं, इसीलिए कहते हैं वो लोग। तो हमारे देश में स्टेट्स बनाना बहुत आसान है क्योंकि हमारे देश में होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म है, पहले से यूनियन था जिसने बाद में स्टेट्स बना लिए, और कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म, न्यू मेकिंग न्यू स्टेट्स और चेंजिंग बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो लिख सकते हैं अगला पॉइंट, चेंजिंग और यहां मेकिंग न्यू स्टेट इज वेरी इजी, टाइप ऑफ फेडरलिज्म में क्या डिफरेंस है, ठीक, मैं इंडिया में किस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस किया गया है, तो ये तो आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया कि इंडिया में होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म, जो कि बहुत सिंपली समझ में आने वाली बात है कि कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म से वो कैसे डिफरेंट होता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में कैसे कैसे कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं जिससे फेडरलिज्म के फीचर्स हमें साफ दिखाई देते हैं। तो पहली बात, इंडिया में फेडरल फीचर्स देखें, अगर फेडरल फीचर्स इन इंडिया, फेडरल फीचर्स इन इंडिया, देखिए दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि इंडिया का जो फर्स्ट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहला आर्टिकल ही वो कहता है कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है, यानी कि हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है। तो हम फीचर्स देखें कौन कौन से हैं, सबसे पहला फीचर है हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट द सबॉर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। दूसरा पॉइंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी सब्जेक्ट क्लियरली डिमार्केटेड है कि कौन से यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, कौन से स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, तो क्लियर डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है, ठीक है, क्लियर
सब्जेक्ट्स का क्लियर डिवीजन है। अब देखें अपन कौन कौन से तीन तरह की लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट है जिसमें तकरीबन 100 सब्जेक्ट है, ठीक है 100 सब्जेक्ट्स। उसके बाद है स्टेट लिस्ट जिसमें तकरीबन 61 सब्जेक्ट है। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट है और इसमें तकरीबन 67 सब्जेक्ट्स हैं। और उसके बाद है रेसिड्यूरी पावर्स। रेसिड्यूरी पावर्स के नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फिक्स नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वो पावर्स हैं जो कि पता नहीं है कि आगे कौन कौन से नए सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, तो उनके लिए अलग से एक पावर्स बना दी गई है रेसिड्यूरी पावर्स, और उनकी एक लिस्ट, उनके उस लिस्ट में नए सब्जेक्ट जुड़ते रहते हैं। तो देखें यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं बेटा वो देश भर के लिए जरूरी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, करेंसी, ठीक है ये सब देश के लिए, पूरे देश के लिए जरूरी, सिटीजनशिप, जुडिशरी से रिलेटेड कानून, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और भी कई प्रोविजंस हैं जैसे वॉर डिक्लेयर करना, यूनाइटेड नेशंस में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजना, फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाना, फॉरेन अफेयर्स, पूरा एक्सटर्नल अफेयर्स जैसे बोलते हैं वो पूरा का पूरा यूनियन गवर्नमेंट के काम में आता है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड जैसे कहा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार के किसी भी देश से ट्रीटी करना, ये सब चीजें यूनियन लिस्ट में आती हैं। फिर आते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट कैसे हैं जो थोड़े लोकल लेवल के, जैसे इरिगेशन, पुलिस, कॉमर्स, ठीक है, जो कि बहुत लोकल लेवल के सब्जेक्ट होते हैं उनको स्टेट लिस्ट डील करती है। फिर कंकरेंट लिस्ट हुआ है जिसमें दोनों के लिए सब्जेक्ट आते हैं जैसे हेल्थ और एजुकेशन, है ना, हेल्थ, एजुकेशन, मैरिज, डाइवोर्स कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। और रेसिड्यूरी पावर्स में जो पहले थे नहीं बाद में आ गए, जैसे कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड कानून, जैसे कि साइबर क्राइम से रिलेटेड कानून, है ना, तो ये सब चीजें बाद में आई। तो ये हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में क्लियर डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है, स्टेट लिस्ट के अलग सब्जेक्ट हैं, यूनियन लिस्ट के अलग है, कंकरेंट लिस्ट के। तो इससे फायदा क्या हुआ है, इससे जो स्टेट और सेंटर के बीच के जो रिलेशनशिप है वो क्लियर हो गया है, एकदम एकदम क्लियर, ठीक है ना। फिर हमारे देश में बेटा एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, यानी कि जो जजेज हैं उनको खुद जजेज अपॉइंट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया इंडिया में जजेस की अपॉइंटमेंट एक कॉलेजियम सिस्टम के जरिए की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 5 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किया जाता है और हाई कोर्ट के जजेस को 3 सीनियर मोस्ट जजेस की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किया जाता है। और इन इन सीनियर मोस्ट जजेस का जो ग्रुप होता है उसे कॉलेजियम कहा जाता है, यानी कि जजेस की अपॉइंटमेंट खुद जजेस करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। कहने के लिए हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो कॉलेजियम है वो डिसाइड करता है कौन अगला जज बनेगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है क्योंकि जजेस की अपॉइंटमेंट भी जजेस खुद करते हैं, बाहर से कोई पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं होता है, लेजिस्लेचर का इंटरफेयर नहीं होता है, और जजेस को हटाना भी बहुत मुश्किल काम है, जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनको हटाना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि इनको हटाने की जो प्रोसेस है, इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ जजेस जैसे कहते हैं, वो प्रोसेस बहुत रिगरस है, बहुत कठिन प्रोसेस है, ठीक है, वो काफी बड़ी प्रोसेस है, यहां एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, लेकिन उसमें कई स्टेप शामिल होते हैं। पहले एक प्रपोजल पेश किया जाता है, फिर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है, फिर एक कमिटी बनाई जाती है जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर उसके बाद दोनों हाउसेस में उसे स्पेशल मेजोरिटी से उस प्रपोजल को पास करना पड़ता है, उसके बाद ही किसी जज को हटाया जा सकता है। अभी इंडिया में कभी नहीं हटाया गया। तो जुडिशरी बहुत इंडिपेंडेंट है, और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कभी भी एक फेडरल कंट्री के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जब दो यूनिट्स में अगर झगड़े होंगे, स्टेट्स में अगर दो स्टेट्स में झगड़े हुए या यूनियन और स्टेट में झगड़ा हुआ, तो उनको कौन रिजोल्व करेगा? इंडिपेंडेंट जुडिशरी रिजोल्व करेगी, है ना। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट हमने बताया था कि स्टेट शुड नॉट बी सबॉर्डिनेट ऑफ द सेंटर, ठीक है। दूसरा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्लियर डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट है कि इंडिया में स्टेट्स की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी,
स्टेट्स के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी है। अब देखो इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। देखो हमारे देश में दो तरह के टैक्सेस लगते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, दुनिया में कहीं भी जाओगे यही दो तरह के टैक्स होते हैं। आप जानते हैं डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो सीधे किसी पर्सन से या किसी कंपनी से लिए जाते हैं उसकी इनकम पे, और इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर कोई सामान आप खरीदते हो तो उस पर लगने वाला टैक्स है। तो हमारे देश में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्सेस लगाने के राइट दिए गए हैं, लेकिन ज्यादातर टैक्सेस कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस लगाने का राइट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सिर्फ एक लोकल लेवल पर जो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं और लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनको एक छोटा प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाने का राइट दिया गया है, वो लोकल टैक्स होता है, वो भी डायरेक्ट टैक्स होता है, लेकिन और ज्यादातर टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, और सबसे ज्यादा जो शेयर होता है टैक्सेस का वो डायरेक्ट टैक्सेस का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू के सोर्स होते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के, और जीएसटी आने के बाद तो पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि सभी तरह के टैक्सेस जीएसटी के, जीएसटी में ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूड हो गए हैं, तो अब तो ज्यादातर टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कैसे इंश्योर होगी, वो इंडिपेंडेंट कैसे बने रहेंगी, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमारे देश में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्टेट्स की बनाए रखने के लिए एक अलग से कमीशन बनाया गया है जिसका नाम है फाइनेंशियल कमीशन। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किए गए हैं, फाइनेंशियल कमीशन। फाइनेंशियल कमीशन देखिए फाइनेंशियल कमीशन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा डायरेक्टेड है। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन होता है और इसको हर 5 साल में बनाना होता है राष्ट्रपति को। ठीक है, और ये कमीशन ये रिकमेंड करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्सेस का डिवीजन कैसे होगा, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है टोटल, जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर लिया पूरा रेवेन्यू, उसको स्टेट गवर्नमेंट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये फाइनेंस कमीशन फाइनेंशियल कमीशन बताता है ये। और स्टेट गवर्नमेंट्स भी कुछ टैक्सेस कलेक्ट करती हैं, तो लोकल गवर्नमेंट्स में टैक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके लिए अलग से 1992 और 1993 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए उसके बाद 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके बाद स्टेट लेवल पे भी एक फाइनेंस कमीशन बनाया गया जो कि ये बताएगा कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट्स को फाइनेंसिस देगी। ठीक है, ताकि लोकल गवर्नमेंट्स की भी इंडिपेंडेंस बनी रहे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, यानी कि जो टैक्सेस कलेक्ट तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जीएसटी आने के बाद तो पूरी तरीके से, लेकिन टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है जिसका नाम फाइनेंशियल कमीशन होता है, और वो हर 5 साल में बनाया जाता है, और वो ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टैक्सेस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंट बनी रहे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट किया गया है, बहुत सारे फीचर्स हैं जो फेडरल फीचर्स को बताते हैं, लेकिन इंडिया में यूनिटरी फीचर्स भी बहुत सारे हैं, इंडिया में यूनिटी फीचर्स भी बहुत सारे हैं। देखते हैं कौन कौन से यूनिटरी फीचर्स इंडिया में हैं। देखिए इंडिया में यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं उन्हें समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट यूनिटरी फीचर है वो तो ऑफिस ऑफ गवर्नर है। ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, लेकिन गवर्नर हेड किसका होता है, एक स्टेट का हेड होता है। ठीक है, गवर्नर इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, बट इट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय, नॉट इलेक्टेड, इट्स एन अपॉइंटेड ऑफिसर। ठीक है, लेकिन जनरली इसको स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड होता है, स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट का हेड, ये स्टेट की पूरे मैकेनिज्म का हेड होता है गवर्नर। ठीक है, जितने पूरे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सब का हेड ये होता है गवर्नर, लेकिन जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसका जो हेड होता है एग्जीक्यूटिव है, जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव, उसका हेड सीएम होता है। तो इसको जब तक सीएम के पास मेजोरिटी होती है हाउस में तब तक इसको सीएम की हर एक बात माननी होती है, लेकिन फिर भी इसको कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं, गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं। कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर दी गई हैं,
सबसे पहले डिस्क्रिशनरी पावर तो तब दी गई है जब एक हंग असेंबली हो जाए, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जब किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को या किसी एक अलायंस को, जो प्री पोल अलायंस है, उसको मेजोरिटी नहीं मिल पाई लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी नहीं मिल पाई तो फिर गवर्नर पर डिपेंड करता है कि वो खुद अपने विवेक से, अपने डिस्क्रिशन से ये पता लगाए कि किसको मेजोरिटी मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसा कि आपने कर्नाटका में देखा, ठीक है, जो गवर्नर थे वैजू भाई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीजेपी जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उसको इनवाइट कर लिया गवर्नमेंट बनाने के लिए, हालांकि वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई असेंबली में, यहां गवर्नर ने अपने डिस्क्रिप्शन का यूज किया। ठीक है ना, कई जगह पर गवर्नर अपनी डिस्क्रिप्शन का यूज करता है, और बहुत सारे लोग डाउट करते हैं कि गवर्नर का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में आता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के काम में एक इंटरफेरेंस जैसा लगता है, एक इंटरफेयर जैसा लगता है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो गवर्नर का पहला काम जो डिस्क्रिप्शन पावर, जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर बनाने का जो उसका अधिकार है उसके रिलेटेड होता है। जनरली वो बुलाता उसी को जिसको मेजोरिटी मिलने के चांस है, लेकिन कभी कभी जब पता नहीं लगता है किसको मेजोरिटी मिल रही है तब गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन का यूज कर सकता है, पहली बात। दूसरा, गवर्नर चाहे तो किसी भी प्रपोजल को एक बार दोबारा रिकमेंडेशन के लिए, दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए जो कैबिनेट होती है चीफ मिनिस्टर की उसके पास वापस भेज सकता है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास वापस भेज सकता है। ठीक है, या फिर अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास कर दिया है तो एक बार फिर से वो लेजिस्लेटिव असेंबली में वापस भेज सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर ले और उसे प्रेसिडेंट के पास भेज दे, ऐसा कर सकता है। तो वहां भी गवर्नर की ऑफिस स्टेट गवर्नमेंट के काम में एक इंटरफेयर जैसा लगता है। ये तो गवर्नर का काम हो गया, गवर्नर किस तरीके से इंटरफेयर करता है। एक और गवर्नर, एक तरीके से और गवर्नर कभी कभी इंटरफेयर कर सकता है कि मान लो कोई गवर्नमेंट मेजोरिटी लूज कर जाए, या गवर्नर को ऐसा लगे कि मेजोरिटी लूज कर गई है कोई गवर्नमेंट, तो गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन कर सकता है, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन कर सकता है कि यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए आर्टिकल 356 का यूज करके, आर्टिकल 356 का यूज करके यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। तो प्रेसिडेंट रूल जब लगा दिया जाएगा तो फिर उसको प्रेसिडेंट के बिहाफ पर गवर्नर रूल करेगा उस स्टेट को, यानी कि गवर्नर अगर चाहे, गवर्नर को ऐसा फील हो तो कभी भी प्रेसिडेंट रूल भी लगाया जा सकता है। लेकिन यह बात और कंसिडरेशन की है कि ऐसा गवर्नर ने उत्तराखंड में अभी किया। ठीक है, उत्तराखंड के गवर्नर ने हरीश रावत की गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया इस आधार पर, क्योंकि गवर्नर को लगता था कि वो मेजोरिटी में नहीं है। ठीक है, हरीश रावत की गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया इसी बेसिस पे, और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। इस ये जो डिसीजन था उसको उत्तराखंड हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि हरीश रावत की जो गवर्नमेंट थी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल थी और उसको रिस्टोर कर दिया। और साथ में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बात और इंपॉर्टेंट कही, उसने कही कि गवर्नर कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स पावर्स ऑफ डिस्क्रिशन आर्बिट्रेरीली। गवर्नर अपनी जो डिस्क्रिशन की पावर है उसे आर्बिट्रेरीली यूज नहीं कर सकता, उसके पास लॉजिकल रीजन होना चाहिए, उसे प्रूव करना पड़ेगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ गवर्नर बहुत कंट्रोवर्सी में है, लगातार डिस्कशन में आ रही है, लोग सवाल भी उठाते हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर पे कि कितना वैलिड है एक अपॉइंटेड पर्सन एक स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट को इंटरफेयर करता है, जो कि दिल्ली में ज्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, हाफ स्टेट है, वो एक यूनियन टेरिटरी वाले फीचर भी है उसमें और कुछ स्टेट गवर्नमेंट वाले फीचर भी है, क्योंकि उसकी एक अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। वैसे यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, लेकिन दिल्ली में है, तो दिल्ली में ज्यादा कंफ्यूजन दिखाई देता है, क्योंकि वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है उनके बीच में एक टसल चल रहा है, एक क्लैश हो रहा है कंटिन्यूअसली, दोनों को लगता है कि दोनों एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो एक अपॉइंटेड ऑफिसर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कई बार कंट्रोल करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑफिस ऑफ गवर्नर है ना वो फेडरल स्ट्रक्चर से थोड़ा डेविएट होती है, थोड़ा सा डेविएट होती है। ठीक है, तो ये यूनिटरी फीचर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी बात जो यूनिटरी फीचर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वो है ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, ऑल इंडिया सर्विसेस। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेस, देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज के दो ऑफिसर ऐसे होते हैं, दो ऑफिसर ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स में काम करते हैं, एक होते हैं आईएएस
और दूसरे होते हैं आईपीएस। अब देखो इनको इलेक्ट कौन करता है, इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इनका टेस्ट कौन करता है, एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है आईएएस और आईपीएस के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी होगी। ठीक है, तो आईएएस और आईपीएस ये दोनों काम तो स्टेट गवर्नमेंट में करते हैं और अपॉइंट इनको प्रेसिडेंट करते हैं, तो सर्विस कंडीशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है इनकी। ठीक है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट्स इनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स आईएएस और आईपीएस के ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसलिए भी कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट्स पे कंट्रोल होता है। ठीक है, और भी कई मैटर होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी हटा सकती है गवर्नर की रिकमेंडेशन पे, हालांकि है ना कभी भी सस्पेंड कर सकती है। पार्लियामेंट में कोई लॉ पास करके स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी सब्जेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रांसफर किया जा सकता है पार्लियामेंट में, मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पाल कोई भी बिल पास करके स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक सिंपल लॉ पास करके किसी भी स्टेट की बाउंड्री बदल सकता है। ठीक है ना, किसी भी स्टेट की बाउंड्री बदल सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया में यूनिटरी फीचर्स भी बहुत सारे हैं, इंडिया इज मोर यूनिटरी देन फेडरल, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन कई बार ये बात भी कॉमनली ऑब्जर्व की जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट होते हुए भी हमारे देश में दोनों ही गवर्नमेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर पाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में फेडरल फीचर्स हैं और वो स्ट्रांग भी है, हालांकि देश को यूनाइटेड रखने के लिए, इंटीग्रेटेड रखने के लिए इसमें कुछ यूनिटरी फीचर्स भी रखे गए। ठीक है, तो ये बात क्लियर होती है कि इंडिया में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। एक और यूनिटरी फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान रख सकते हैं वो है कि हमारे देश में जुडिशरी तो इंटीग्रेटेड ही है, जुडिशरी में फेडरलिज्म को प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं किया गया है, यानी कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट होता है और हाईकोर्ट उसके सबॉर्डिनेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। अमेरिका में अगर आप जाओगे तो अमेरिका में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, हाईकोर्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को अलग सब्जेक्ट दिए गए, हाईकोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। लेकिन इंडिया में हाई कोर्ट के किसी भी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को बदल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया, इट मींस जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड इन इंडिया। इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, ठीक है, उसमें फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया गया। तो ये हमने देखा कि इंडिया में यूनिटरी फीचर्स भी बहुत सारे हैं। अगली और लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नीति आयोग और जीएसटी आने के बाद और कोएलिशन गवर्नमेंट्स आने के बाद हमारे देश में फेडरलिज्म पे इफेक्ट पड़ा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है।